नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज़ खबर फरुखाबाद की दुनिया तक। नगर युवा व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने दिखाए नगर पालिका अध्यक्षा को काले झंडे। अंकुर श्रीवास्तव नगर अध्यक्ष की अगुवाई में हुआ कार्यक्रम। 45 मिनट तक रहा रोड पर जाम, बाद में पुलिस ने उन्हें निकाला। तो दोस्तों, खबर जानने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस खबर को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और देखते रहें यूपी 76 न्यूज़। नगर पालिका अध्यक्षा वक्त्रा अग्रवाल के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए युवाओं ने काले झंडे दिखाए और चेयरमैन की गाड़ी रोकी, जिसके उपरांत पुलिस की कड़ी मशक्कत के बाद युवाओं को समझाने के बाद चेयरमैन की गाड़ी को निकाला। हमारे संवाददाता फिरोज खान की जानकारी अनुसार शहर के पक्का पुल के निकट पक्का पुल मुख्य मार्ग पर टाउन हॉल पालिका अध्यक्षा कार्यालय से लौट रही थी। अध्यक्षा को नगर युवा व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने उन्हें रोक लिया। कार्यकर्ता सड़क पर उनकी गाड़ी के आगे काले झंडे लेकर नारे लगाने लगे। उन्होंने नगर में विकास कार्य न कराने का आरोप लगाया। शहर की जर्जर सड़कें व जल भराव व अन्य जनमानस की समस्याओं को लेकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। मामले की सूचना मिलते ही तिकोना चौकी इंचार्ज दीपक त्रिवेदी फोर्स के साथ मौके पर आ गए और उन्होंने नगर अध्यक्ष अंकुर श्रीवास्तव को दबोच लिया, जिससे अन्य पदाधिकारी भड़क गए एवं उनकी पुलिस से नोकझोंक भी हुई। पुलिस ने बाद में उन्हें छोड़ दिया। तकरीबन 45 मिनट तक पालिका अध्यक्ष की गाड़ी युवा व्यापार मंडल ने आगे नहीं बढ़ने दी। पुलिस ने बड़ी मशक्कत के बाद नगर पालिका अध्यक्ष की गाड़ी को निकाला। तो दोस्तों, जुड़े रहिए हमारे साथ ऐसी खबर पाने के लिए। और मैं फिर आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस खबर को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और देखते रहें यूपी 76 न्यूज़। चलिए आइए देखते हैं आगे का वीडियो। Let's go! 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 Let's